श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। देखिए आज तारीख है 23 फरवरी और दिन शुक्रवार, साथ ही आज चतुर्थी तिथि पड़ रही है। देखिए आज की रात आप लोगों को केवल अपने घर के बाथरूम में ये एक छोटी सी चीज फेंक देनी है। पैसा धन दौलत आपकी कदम चूमेगा। देखिए आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ ये उपाय बहुत ही सुंदर उपाय है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहे। देखिए अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में धन आने के भी मार्ग बंद हो चुके हैं, घर में आपस के लोगों में नहीं बनती है, यानी कि प्रेम बिल्कुल घर से खत्म हो चुका है, तो आज की रात इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए हमारी ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो का जो विषय है वो आपको थोड़ा गलत जरूर लग सकता है, लेकिन ये जो विषय है यह आपके जीवन के तमाम तत्कालीन कष्टों और समस्याओं को समाप्त कर देगा। देखिए अगर आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति का साया है या फिर आपके घर में आपस के लोगों में नहीं बनती है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े ही बने रहते हैं और घर में बिल्कुल धन आने के मार्ग एकदम बंद हो चुके हैं, तो देखिए आज शुक्रवार का दिन है, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे में कहा जाता है कि आज की जो दिन होता है, आज के दिन माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में रहती है। अर्थात शुक्रवार तिथि को अगर हम कोई भी छोटे छोटे उपाय करते हैं, छोटे छोटे प्रयोग माता लक्ष्मी से जुड़े करते हैं, तो पूज्य गुरुदेव का कहना है कि माता लक्ष्मी 100% प्रसन्न होती है और जातक की सभी प्रकार के धन संबंधित कष्टों को समाप्त करती है। तो देखिये आज मैं आप लोगों को ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर जो कमेंट करेगा उनकी माता पिता की उम्र लंबी हो। देखें अब जानते हैं शुक्रवार की रात्रि में आपको किस तरह से उपाय को करना है। तो देखें आज शुक्रवार का दिन है, साथ ही आज चतुर्थी तिथि है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। तो आज की शाम इस उपाय को करना है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी ले लेनी है, कांच की कटोरी ले लेनी है। अब कांच की कटोरी लेने के बाद में उस कटोरी में आपको एक मुट्ठी, आपके घर में जो भी नमक उपलब्ध हो, जो भी पर्याप्त मात्रा में हो, आपको एक मुट्ठी नमक लेना है। अब उस एक मुट्ठी नमक को लेकर उस कटोरी में डाल देना है। उसके बाद अगर आपके घर में फिटकरी है तो आप उस कटोरी में टुकड़े करके डाल दें, या फिर बाजार से फिटकरी को लाकर कटोरी में टुकड़े करके डाल दें। अब देखिए नमक और फिटकरी को एक जगह रखने पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है उन्हें ये चीज सोख लेती है, उन्हें दूर भगा देती है। इतना हो गया। अब इन दोनों चीजों को एक जगह रखने के बाद में, कटोरी में रखने के बाद में अपने पूरे घर में संपूर्ण कक्ष में घुमा लेना है। उसके बाद में अपने घर के बाथरूम में रख देना है। देखिए जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो गंदी शक्तियां होती हैं, उनका स्थान हमेशा गंदे स्थान पर ही होता है। जिस तरह से आपके घर में जहां पर पूजा स्थल है वह एक पवित्र स्थल है, वहां पर नेगेटिव यानी कि बुरी शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं करेगी, परंतु आपके घर का जो बाथरूम है वो एक गंदा स्थान है, वहां पर नेगेटिव यानी कि गंदी शक्ति, बुरी शक्ति अवश्य स्थान बनाएगी। तो आपको उस स्थान पर नमक और फिटकरी की उस कटोरी को रख देना है। ऐसे में आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो घर से दूर चली जाएगी और घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर में धन आने के मार्ग खुलेंगे और माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर धन बरसाएगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगरी उपाय है। आप एक बार इस उपाय को कर देखिएगा और मैं आप सभी लोगों को वादा करता हूं कि इस उपाय को करने से आप लोगों को 100% लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी तक हमारे इस चैनल पर बताए गए सभी उपायों को जिन लोगों ने भी किया है सभी को लाभ प्राप्त हुआ है। हमारी पिछली वीडियोज में भी कई कमेंट आते थे कि गुरुजी आप जो उपाय बताते हो उन उपायों को करने से हमें 10 नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर लाभ देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इन उपायों को अवश्य करें और पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि जब हम किसी भी उपाय को या फिर किसी भी कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो हमें उसमें लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि विश्वास की हमेशा जीत होती है और जिस वस्तु पर, जिस चीज पर, जिस कार्य पर हमें विश्वास होता है तो वह कार्य निश्चित ही सफल होता है। तो आप एक बार इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ अवश्य कीजिएगा।
और पुनः मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।